नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज और मैं हूं आपके साथ सोनिया शर्मा। वक्त हो चला है खबरों का, तो आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। संवाददाता राजेंद्र नामक रिपोर्ट के अनुसार अंजुमन इतिहाद ए बहामी जिला बारा की जानिब से थतना कैंप संपन्न, 50 से अधिक बच्चों ने लिया लाभ। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार जिला प्रमुख उर्मिला भाया के नेतृत्व में बारा जिले से पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में 5000 से अधिक महिलाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित। संवाददाता फिरोज खान की रिपोर्ट के अनुसार ससवाली मार्ग के खस्ता हालात में राहगीरों को हो रही है परेशानी। संवाददाता कृष्ण सिंह गहलोत की रिपोर्ट के अनुसार शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का विरोध करना एक परिवार को भारी पड़ गया। मोहल्ला के युवकों ने इकट्ठा होकर दिन दहाड़े परिवार पर पत्थरों से हमला किया। झगड़े में 3 महिलाएं चोटिल हुई, 1 महिला गंभीर हालत में ICU में है। राजेश खुरवाल की रिपोर्ट के अनुसार बूंदी में राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी आज 13वें दिन भी रहे सामूहिक अवकाश पर। संवाददाता राजेश खुरवाल की रिपोर्ट के अनुसार पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक के पद पर दी गई नियुक्तियां, जिले के 118 अपात्र घोषित पंचायत सहायकों को शिथिलन प्रदान करे सरकार, मनोज खत्री का कहना है। संवाददाता राजेश खुरवाल की रिपोर्ट के अनुसार अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बनी अनीता चंदेल। संवाददाता उदय सिंह यादव की रिपोर्ट के अनुसार ड्राइवर की लापरवाही, हाईवे से नीचे उतरी बस, कोटा डिपो रोडवेज बस हाईवे से नीचे उतरी पेड़ से लटकाई चला हादसा। संवाददाता राजेंद्र नामा की रिपोर्ट के अनुसार मौसम ने ली अंगड़ाई, आई देखो ठंडी आई, महाराजा अग्रसेन सेवा समिति द्वारा मनाया गया शीत महोत्सव। संवाददाता राजेंद्र नामा की रिपोर्ट के अनुसार भारत विकास परिषद का 62वां निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर संपन्न, 423 मरीजों की जांच, 221 नेत्र लेंस प्रत्यारोपण हेतु चयनित। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ।